हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें आरचिन ब्यूटी चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लहंगा शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अगले वीडियो में शेयर किया था। वो एक ब्राइडल लहंगा था, बहुत ही प्यारा है। आपने देखा या नहीं, Zatki.com की जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी लहंगे की मैं रिव्यू कर रही हूँ, उसको मैं दिखा रही हूँ आपके सामने। तो उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया है। जितने भी प्रोडक्ट्स उसका आएगा तो उसी प्लेलिस्ट में रहेगा, तो आप वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हो। तो वो वाला प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ पर जाके आप अगले वाले जो लहंगे हैं, जो आने वाले हैं, सारा कुछ उसी वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको एक लहंगा शेयर करने जा रही हूँ, तो वो भी बहुत ही प्रीटी है। और आपको ये लहंगा पसंद है, खरीदना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको Zatki.com से इसको लेना पड़ेगा। और इसकी जो लिंक है, जो परचेज लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप परचेज कर लेना, देख लेना कि आपको कैसा लगेगा। और वो लहंगा ये है, देख सकते हो, मैंने अभी एक बार खोल के देखा था निकाल के, और आज मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक लहंगा है, चोली है और एक दुपट्टा है। इसको तो ये तो सभी को पता है, मगर मैंने आज तक लहंगा पहना ही नहीं। मैंने लहंगा नहीं पहना है, मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी। मतलब पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसा होता है लहंगा, मतलब पहनने से कैसा होता है मुझे नहीं पता था। तो जब मैं पहनने लग गई तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब इससे पहले मैं गाउन्स पहनती थी, गाउन्स ज़्यादा मैं यूज़ करती थी, गाउन्स वगैरह यही मैं यूज़ करती थी। मैंने लहंगा चोली अभी तक नहीं पहना है, मैंने साड़ी पहनी है मगर लहंगा चोली नहीं पहना, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको लहंगा दिखा रही हूँ, आप लहंगा देख सकते हो। ये किसी भी साइज़ की जो है, जितनी भी ज़्यादा मोटे है, पतले है, सभी के लिए ये आ जाएगा, फिट आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो जिनकी कमर मोटी है तो उनके लिए आ जाएगा, कम है फिर भी। यहाँ पर खुली हुई है, इसको बस सारा कुछ रेडी है, बस यहाँ पर आपको बंद करना है कि आपकी कमर की जो साइज़ है कितनी है, उसी हिसाब से आपको ये मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको यहाँ पर स्टिचिंग आ सकते हो। बॉर्डर है, ये जो है ऊपर की जो लहंगा की जो बॉर्डर बोलते हैं, मतलब आगे भी है पीछे भी है, इसकी दोनों तरफ है इसकी बॉर्डर, ये बहुत ही प्यारा है। और इसकी जो प्रिंस कलर में इसको मतलब गोल्डन कलर की धागे से इसको ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया गया है। भारी लहंगा नहीं है बिल्कुल, ये हल्की है, ज़्यादा हल्का भी नहीं, ठीक है, मतलब इतनी हैवी नहीं है, ये लाइट वेट लहंगा है, बहुत ही प्यारा है। इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, इसको लगाने से आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। और इसकी जो है एकदम अच्छी तरीके से एक मतलब पट्टी जैसी यहाँ पर बहुत लगाया है, इसकी वजह से जो लहंगे में जो बहुत ही अच्छा मतलब दिखेगा, आपकी लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। और नीचे देख सकते हो इसकी जो पूरी की पूरी ये छोटी छोटी फ्लावर्स जो है डार्क ब्लू है, ये एकदम डार्क ब्लू में है ये जो लहंगा, और इसकी जो फ्लावर्स जो है गोल्डन में है, गोल्डन कलर में है, बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया गया है, देख सकते हो, बहुत प्यारा है। और इसकी जो नीचे आप देख सकते हो, और नीचे यहाँ तक है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ से नीचे, तो मैं आपको दिखाऊंगी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है नीचे। और ये जो बीच में बिल्कुल प्लेन कपड़े में जो छोटी छोटी फ्लावर्स है गोल्डन कलर की, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो जब आपको ज़्यादा लंबे हो तो चलो ठीक है, अब छोटे हो, आपको हाइट जो है छोटा है और आपको ये पसंद है, तो आप इसको ऊपर की तरफ से इसको कट करके टेलर्स को बोल के आप इसको ये पट्टी को थोड़ा नीचे लगा सकते हो इसको, ठीक है, आपकी जो हाइट आपकी जो लेंथ है उसके हिसाब से इसको कम घट कर सकते हो इसको, और बस ऊपर की तरफ से कर सकते हो। फुल प्लेन में बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर जो डार्क ब्लू है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, डार्क ब्लू और जो गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। और नीचे देखो, ओ माय गॉड यार, ये देखो बहुत ही हैवी यहाँ पर इन्होंने जो मतलब वॉक किया गया है, फ्लावर बिल्कुल भर भर के एक जगह भी नहीं रखा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, गोल्डन कलर में है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मतलब फ्लावर से बिल्कुल गैप बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा एकदम अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हो गोल्डन, बहुत ही प्यारा है,
आप इसको देख सकते हो, पूरे नीचे लहंगे में पूरा बॉर्डर जो है इसकी एकदम भरा हुआ है फ्लावर से, एकदम गोल्डन कलर की डार्क ब्लू में। तो ये डार्क ब्लू में मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन तरीके का जो धागा है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बना के इसको इतना सुंदर बनाया है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ से एक साइड से ये खुली हुई है, ठीक है, और इसको आप स्टिचिंग करवा सकते हो आपकी जो कमर की जो साइज है उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये तो था लहंगा, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये लहंगा। तो ये है चोली, और ये चोली जो है डिजाइन बस ये आपके आगे मतलब फ्रंट की है, ये एकदम जो डिजाइन जितने भी इन्होंने किया हुआ है, और यहाँ पर छोटे छोटे ट्री है जो नारियल का है शायद, है ना, फिर बॉर्ड है यहाँ पर, और ग्रीन गोल्डन और रेड की जो कॉम्बिनेशन है धागा से इन्होंने बनाया है, जो फ्लावर बनाया है, बॉर्ड बनाया है, और जो ट्री मतलब नारियल का जैसा दिखता है, मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। ये फ्रंट की है, ठीक है, तो ये फ्रंट की है, आपको पीछे की जो साइड है बिल्कुल प्लेन है, आपको पीछे बिल्कुल डिजाइन नहीं मिलेगा, आपको ये जो है प्लेन बिल्कुल है, ये आपके पीछे की तरफ आपको डिजाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आगे की तरफ बिल्कुल डिजाइन वाला है ये, ठीक है, तो पीछे प्लेन रहेगा। और आपकी जो बाजू में, बाजू के लिए यहाँ पर दिया गया है जो स्टोन लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये देखेंगे मतलब काफ़ी मजबूती से इन्होंने लगाया हुआ है, ने मतलब अच्छे से जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बाजू के लिए है ये, यहाँ पर इन्होंने मतलब बॉर्डर तो नहीं है मगर ये जो स्टोन है छोटे छोटे स्टोन यहाँ पर करवा के दिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट लहंगा है, और आपकी ये डार्क ब्लू है बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको फ्रंट में आपको ये डिजाइन मिलेगा, बैक में प्लेन मिलेगा, और ये जो है बाजू में आपको ये स्टोन वाला जो इन्होंने कढ़ाई किया हुआ है ये बाजू के लिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। चोली है, चोली की इस पर नीचे आपको एक बॉर्डर मिलेगा, ये बॉर्डर आपको जो नीचे जो चोली आप मतलब जो बनाते हो डिजाइन, और नीचे जहाँ तक एंड होती है एंड की तरफ ये बॉर्डर लगती है ना, इस तरीके से लगती है, वहाँ की आगे और पीछे की तरफ की दोनों मतलब आपको आ जाएगा ये, ठीक है। तो बॉर्डर आपको मिलेगा लास्ट में, आपको फ्रंट में और बैक में आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा, ठीक है। और ये है उसका जो लहंगा का दुपट्टा, तो इसकी जो है बॉर्डर देख सकते हो जिस तरीके का ये लहंगा के ऊपर की जो कमर की बॉर्डर था सेम वही डिजाइन का है, मतलब बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नेट जो है आपको ये बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट में भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड में मतलब ठीक है, मतलब इतनी तो से आपको इरिटेशन फील बिल्कुल नहीं होगा, अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। और जो है चुनरी की जो है दुपट्टा की जो बीच में छोटी छोटी स्टोन दिया गया है लगाया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हो थोड़ा साइन भी करेगा, ठीक है। तो ठीक है, प्लेन ज़्यादा प्लेन भी नहीं है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब प्राइस के हिसाब से तो लहंगा ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम जब मार्केट में लेने जाते हो तो मतलब 2,000, 3,000, 4,000 में कैसे लहंगा आते, इतना घटिया आता है। और मैं बहुत बार लेने गई थी इसलिए मुझे कभी पसंद ही नहीं आया, इसलिए मैंने कभी लिया ही नहीं। तो ये इसको देख के मतलब एकदम मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है, तो एक बार इसको चेक जरूर करना और अपने लिए जरूर देख ले। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें आरचिन ब्यूटी चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है।